बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो पुष्पम प्रिया चौधरी है। पिछले 6 महीने पहले तक बिहार और देश की जनता शायद ही इस नाम से वाकिफ रही हो, लेकिन अब राज्य के अखबारों से लेकर सड़कों तक पुष्पम प्रिया के नाम की चर्चा है। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि लंदन से लौटते ही पुष्पम ने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली है। सियासी रण में उतरी पुष्पम ने अपनी पार्टी का नाम प्लूरस रखा है। इतना ही नहीं, पुष्पम ने खुद को बिहार का सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश जायसवाल है और आप देख रहे हैं lalluram.com। तो चलिए आपको बताते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी आखिर काले कपड़े ज़्यादातर मौके पर क्यों पहनती है और खुद को बिहार का सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाली आखिर पुष्पम प्रिया चौधरी कौन है। मार्च 2020 में अचानक एक दिन कई अखबारों में इश्तहार जारी कर बिहार के सीएम ओहदे की उम्मीदवारी के तौर पर चर्चा में आने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली है। पुष्पम प्रिया चौधरी भले ही सियासत में नई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सियासत उन्हें विरासत में ना मिली हो। हकीकत यह है कि वो जनता दल यूनाइटेड के लीडर और MLC रह चुके विनोद चौधरी की बेटी है। उनके दादा उमाकांत चौधरी भी सियासी लीडर रह चुके हैं, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में वालिद के नाम पर बेटा या बेटी अगर सियासत में आए तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। पुष्पम प्रिया चौधरी ने लंदन के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है। इसके अलावा पुष्पम ने इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी से डेवलपमेंट स्टडीज से मास्टर की डिग्री ली है। पुष्पम प्रिया चौधरी के सियासत में आने की आखिर वजह क्या है और बिहार में वो क्या बदलाव लाना चाहती हैं, चलिए आपको इसके बारे में भी बताते चलते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी का राजनीति में एंट्री किसी फिल्मी एंट्री से कम नहीं है। पुष्पम ने प्लूरल्स नाम की पार्टी बनाई है। पार्टी का निशान सफ़ेद घोड़ा है जिसमें पंख लगे हुए हैं। पार्टी का नारा जनगण सबका शासन है। पुष्पम प्रिया चौधरी का कहना है कि वो बिहार को बदलने आई है। उनका कहना है कि बिहार में समाज को शिक्षित बनाने, गरीबी हटाने, रोजगार देने, बेहतर सेहत देने, किसानों का भला करने, अपने हक मानने जैसे मुद्दे हैं जिन पर वो काम करेंगी और बिहार में सियासत बनाएंगी। सोशल मीडिया के मुताबिक पुष्पम ने करीब उन सभी चीनी मिलों और पेपर मिलों का दौरा किया है जो किसी ज़माने में बिहार के रोजगार में अहम रोल अदा करता था। लेकिन क्या अब ये मुमकिन है कि उन चीनी मिलों को दोबारा जिंदा किया जाए? ऐसा तो नहीं लगता, फिर भी पुष्पम की कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुष्पम खुद कहती है कि वो नीतीश कुमार के अलावा किसी भी लीडर को फॉलो नहीं करती। पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार में चर्चा और शोहरत हासिल कर ली है। वह बिहार के हर जिलों का दौरा कर रही है और मुकामी मुद्दों को उठाते हुए आवाम को बेदरा कर रही है। जात और मजहब की ऊपर उठकर बेदाग उम्मीदवारों के भरोसे मैदान में उतरने वाली पुष्पम प्रिया क्या सियासी रण में कामयाब हो पाएगी? पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी बिहार के हर सीट में अपनी उम्मीदवारी उतार रही है। साफ सुथरे पढ़े लिखे बेदाग उम्मीदवारों के भरोसे वो सियासी मैदान में उतरेगी, यानी चुनाव में सिर्फ विकास का एजेंडा होगा। साथ ही उनकी पार्टी का मुद्दा जात और मजहब से ऊपर उठकर सिर्फ तरक्की का है, मगर बिहार जैसी सियासत में ऐसा हो पाना आसान नज़र नहीं आ रहा है। जहां जात सिस्टम काफ़ी हावी है, लोग अपनी बुनियादी ज़रूरत को भूलकर आज भी जाति फैक्टर में उलझे हुए हैं। यही वजह है कि आज बिहार में भी कोई रोजगार की बात नहीं करता। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी सियासत छोड़ दूसरे जगहों का नकल मकानी करनी पड़ रही है। ऐसे वक्त में जहां 5 से ज़्यादा तरह के इत्तेफाक बने हों, ऐसे में पुष्पम प्रिया चौधरी का आवाम का भरोसा कितना बढ़ेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। पुष्पम अपने लोगों को उनकी पार्टी ज्वाइन कर सत्ता में बैठे लोगों से उनका ताकत छीनने को कह रही है। उन्होंने अपने फेसबुक और ट्विटर पर भी इस पर विज्ञापन देते हुए लिखा है कि हमारी पार्टी के पास 2025 से 30 तक के लिए बिहार का रोड मैप और ब्लूप्रिंट तैयार रखा है। पुष्पम प्रिया चौधरी के काले कपड़े पहनने के पीछे की सोच भी काफ़ी दिलचस्प है। वो कहती हैं कि वैसे तो सारे नेता सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है कि नेता सफ़ेद कपड़े ही पहने। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, इसीलिए मैं ब्लैक कपड़े पहनती हूँ। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।